हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं इस न्यू एनिम को कंटिन्यू कर रहा हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हाउ चेन और लिसिनो सिटी पर पहुँच जाते हैं, जहाँ इनका कॉम्पिटिशन होने वाला है। यहाँ हम देखते हैं वो सिटी बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है। यह देख कर हाउ चेन और लिसिन बहुत हैरान होते हैं और हाउ चेन कहता है, इस सिटी तो बाकी सिटी से अलग है। इसके बाद हम देखते हैं जहाँ इनका कॉम्पिटिशन होने वाला है, वो जगह ऊपर आसमान में होती है। तभी हम देखते हैं आसमान से एक लिफ्ट नीचे आती है। यह देखकर हाउ चेन और लिसिन फटाफट उस लिफ्ट में चढ़ जाते हैं ताकि वो कंपटीशन में ऊपर जा सके। इसके बाद वो लिफ्ट ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं उस लिफ्ट में हाउ चेन और लिसिन अकेले नहीं होते हैं, उनके साथ वहाँ पर कई सारे वॉरियर्स होते हैं जो कि अलग अलग सिटी से इस कॉपरेशन में भाग लेने आए होते हैं, जिनमें से एक गुई भी होता है जिसने हाउ चेन को सोल बिस्ट पकड़ते समय बहुत ज्यादा परेशान किया था। और फिर गुई की एक और वॉरियर जो कि एक तेर भीस्ट होता है उसके साथ हो जाती है, जो बेहस फाइट का रूप ले लेते हैं। गुई अपनी सोल्जर से उनके ऊपर अटैक कर देता है, पर हम देखते हैं वो तेर बीस्ट उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारता है। यह देखते ही खुद गुई अपनी हथियार से तेर बीस्ट पर अटैक कर देता है, पर तेर बीस्ट उसके अटैक से बचाता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है जिसे गुई बहुत दूर जाकर गिरता है, जो देखकर हाउ चेन और लिसिन दोनों ही हैरान होते हैं। और हाउ चेन कहता है, यह बंदा बहुत पावरफुल है, इसने एक पल में तीन लोगों को हरा दिया, पता नहीं इसकी असली पावर क्या होगी। वही लिसिन को यकीन ही नहीं हो रहा होता है एक तेर बीस्ट इतना पावरफुल भी हो सकता है। इसके बाद वो तेर बीस्ट कहता है, तुम लोगों के अभी तक मुंह के दांत भी नहीं टूटे हैं और तुम लोग मुझे मारने की धमकी दे रहे हो। मुझे शिव सिटी पर शर्म आ रही है, क्या शिव सिटी की बाकी लोग भी तुम्हारी तरह ही कमजोर है। इसके बाद तेर बीस्ट अजीब सा डांस करके गुइयो और उनकी लाने लगता है। यह देखकर गुइयो और उनकी लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और भड़क जाते हैं और गुइयो अपनी लोगों को कहकर तेर बीस्ट पर अटैक कर देते हैं, जो देखकर तेर बीस्ट बिल्कुल भी नहीं घबराता है और कहता है, आज मैं तुम सभी को तब तक मारने वाला हूँ जब तक तुम सभी रो नहीं देते हो। इसके बाद तेर बीस्ट उन सभी से फाइट करने लगता है और बड़ी आसानी से उन लोगों के अटैक को रोकता हुआ और उन सभी को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। और इस फाइट में तेर बीस्ट भी किसी से कम नहीं होता है, इसकी अपोनेंट भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन वो उन लोगों को बड़े ही आसानी से मार रहा होता है। इसके बाद ये फाइट धीरे धीरे खत्म होने लगती है, पर तेर बीस्ट उन लोगों को बराबर टक्कर दे रहा होता है और उन्हें एक एक करके मार लगता है। यह देखकर वो सभी लोग मिलकर इनके ऊपर अटैक करते हैं। इनके अटैक को रोकने में तेर बीस्ट को मुश्किल का सामना करना पड़ता है और फिर तेर बीस्ट का स्पेयर टूट जाता है। और अब इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए गुइये बिना टाइम वेस्ट किए अपनी तलवार से एक पावरफुल अटैक को तेर बीस्ट पर कर देता है। यह अटैक इतना पावरफुल होता है, अगर यह किसी को सीधा लग जाए तो सामने वाला बंदा बहुत ज्यादा इंजर्ड हो सकता है, पर फिर भी इसका चिंता ना करते हुए उस अटैक को रोकने का कोशिश करता है और फिर वो अटैक तेर बीस्ट को लगने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर हाउ चेन और लिसिन आ जाते हैं और हाउ चेन अपनी डिवाइन ईगल से उसको रोक देता है, जिसके इफेक्ट से गुइये बहुत दूर जाकर गिरता है और फिर उठकर हाउ चेन पर चिल्लाने लगता है और कहता है, तुम कमजोर लोगों की इतनी हिम्मत मेरे ऊपर अटैक करने की हिम्मत की, आज मैं यहाँ पर तुम तीनों को मार दूंगा। अब यह सुनकर हाउ चेन और लिसिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो लोग जिस लिफ्ट पर खड़े होते हैं वो अपनी जगह पर पहुँच जाती है, जो देखकर गुइये को काफी गुस्सा आता है। और फिर इस सिटी का सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा होने लगती है, जो देखकर सभी शांत हो जाते हैं। और यहाँ पर इस सिटी का सोल्जर्स भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से यह लोग फाइट करने से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि इस सिटी का रूल्स बहुत टफ है। अगर यह सोल्जर इनके फाइट करते हुए देख लिया होता तो इन सभी को इसी वक्त टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं गुइये अपने लोगों के साथ वहाँ से निकल जाता है। और इसी के साथ आज का हमारे एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।